तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिंदो दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारे वीडियो के टॉपिक है वो है कैल्शियम के ऊपर कि हमारे बर्ड्स को कैल्शियम कितना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसे तो हम लोग जो भी खाना पीना देते हैं उससे बर्ड्स का आराम से गुजारा हो जाता है, लेकिन जब बर्ड्स का ब्रीडिंग टाइम आता है तो उस टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि जब फीमेल अंडे लेकरती है तो उसका बॉडी से जितना भी कैल्शियम होता है वो अंडे के जरिए वो निकल जाता है, क्योंकि अंडे का सेल जो होता है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है। और जब 4 से 5 अंडे फीमेल देती है तो बॉडी से सारा कैल्शियम निकल जाता है और बर्ड जो है वो कमजोर हो जाती है, फीमेल कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने की वजह से बहुत सारा दिक्कत होता है, एक्सपायर होने का भी चांस ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जब भी बर्ड्स रखे तो कैल्शियम जब ब्रीडिंग का टाइम आए तो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैं ये देख सकते हैं गाइस कि हम लोग जो भी खाना पीना देते हैं उससे कैल्शियम तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज ये देख सकते हैं कि मेकलवेट ये जो सिरप है ये आप लोग पास से देख सकते हैं, ये मैं इस्तेमाल कराता हूँ कैल्शियम के लिए। और कैल्शियम अगर आप लोग आप बर्ड्स को इस्तेमाल कराते हैं कोई सा भी कैल्शियम, तो उसमें क्या होता है कि विटामिन D3 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना भी कैल्शियम होता है विटामिन D3 के साथ अगर आप मिक्स करके देंगे तो सारा का सारा वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा जो भी कैल्शियम आप लोग अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसे देना किस तरह है गाइस कि इसे आप मेरे पास जो है वो जैसे 8 बर्ड्स के लिए मैं 1 ढक्कन इस्तेमाल करता हूँ पानी में, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मैं इसका देता हूँ। ये देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आता है और इसे मैं अपने सारे बर्ड्स को इस तरह से प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसका MRP की अभी बात करूँ तो ये देख सकते हैं कि 214 रुपये में ये मिलता है, और ये जो है ये वुमेन के लिए, आदमियों के, इंसानों के लिए ये जो है दवा मिलता है, लेकिन मैं अपने सारे बर्ड्स को प्रोवाइड करता हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये मैं इस्तेमाल कराता हूँ। और इसका सबसे बेस्ट क्या है कि पानी में बहुत ही अच्छा मिक्स होता है, अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी में इतना अच्छा मिक्स होता है कि समझ में नहीं आएगा, जिस तरह ओस्टोबिट पानी में बैठ जाता है उस तरह ये नहीं बैठता और काफ़ी अच्छा से पानी में घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे हमारे बर्ड जो पीते हैं तो बर्ड को काफ़ी ज़्यादा असर होता है बॉडी में। तो आप लोगों को और एक बात बता दूँ, जब भी आप लोग कोई सा भी सिरप या दवा इस्तेमाल कराए तो सबसे पहले क्या करना है कि बर्ड्स के जो केस से पानी को 1 से 2 घंटा पहले निकाल देना है, और निकालने के बाद अगर फिर आप उसे प्रोवाइड करेंगे दवा के साथ तो क्या होगा, जिस टाइम में आप केज में पानी का बर्तन लगाते हो उसी टाइम में बर्ड्स फौरन पीने लगेंगे। तो इसलिए आप लोग ऐसा ही करें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके बर्ड्स भी जब इसे पिएंगे तो आपके बर्ड्स को पूरा का पूरा कैल्शियम मिलेगा और आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि विटामिन D3 का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो सनलाइट होता है, सूरज का रोशनी जो सुबह सुबह आपके बर्ड्स को या आपके बॉडी में पड़ता है तो विटामिन D3 मिल जाता है। उसके बाद अगर आप कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे तो आपका बर्ड को सारा का सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, और आप जब भी देखेंगे जब फीमेल अंडे ले करेगी तो 4 से 5 अंडे 6 अंडे अंडे का एवरेज भी बढ़ेगा और बच्चे भी हेल्थी उठेंगे। तो इसलिए आप लोग कैल्शियम जरूर इस्तेमाल करें, और मैं आप लोगों को बता दूँ सिर्फ कैल्शियम इस्तेमाल नहीं करना है, कैल्शियम के साथ कोई सा भी विटामिन D3 जो होता है जैसे ओस्टोबिट भैमरल होता है उसमें विटामिन D3 और वो काफ़ी ज़्यादा जो है भारी होता है, उसको भी देखेंगे कि जब हम लोग पानी मिक्स करते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए मैं मेकलवेट ये जो सिरप है आप देख सकते हैं कैल्शियम और विटामिन D3 का भी सोर्स इसमें बहुत ही अच्छा है, तो मैं ये इस्तेमाल करा रहा हूँ। और अभी मेरे जो बर्ड्स का ब्रीडिंग टाइम आ चुका है तो ये इस्तेमाल ज़रूर कराए। अगर आप लोगों को कोई सा भी कैल्शियम जैसे कैल्सिलेक्स है तो वो सब भी इस्तेमाल, तो मेरे पास मैं कैल्सिलेक्स इस्तेमाल कराता था लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं मेकलवेट ये सिरप पहले भी इस्तेमाल कर चुका और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो आप कोई सा भी कैल्शियम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही इस्तेमाल कराए, आपके पास कोई सा भी कैल्शियम है वो इस्तेमाल कराए, क्योंकि हम लोग का जो बर्ड्स है वो खाना पीना सिर्फ हम लोग देंगे तो वो जीने के लिए ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग आप लोगों के पास फर्स्ट टाइम हो सकता है कि कर दे, क्योंकि बर्ड्स को आप काफ़ी ज़्यादा रेस्ट देते हैं और जब ब्रीडिंग सीजन आता है जो खाया पिया होता है तो वो फर्स्ट टाइम में ब्रीडिंग कर देते हैं, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम में क्या होता है कि बर्ड्स का बॉडी से कैल्शियम तो निकल जाता है तो अंडे देते हैं तो अंडे ख़राब होता है, या 2 से 3 अंडे देते हैं अंडे का क्वांटिटी भी कम हो जाता है। तो इसलिए कैल्शियम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे जब फीमेल अंडे लेकर रही है, तो उस टाइम अंडे से पहले जब ब्रीडिंग अभी टाइम आने वाला है तो उससे 1 महीना 2 महीना पहले से आप लोग कैल्शियम दे ताकि आपके बर्ड्स का जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए, और जब बर्ड्स अंडे लेकर दे तो उस टाइम में भी आप लोगों को कैल्शियम चलाना है, उसके बाद फिर छोड़ देना है। फिर जब आप देखेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 दिन तक 2 से 3 दिन कैल्शियम प्रोवाइड करें, उसके बाद मल्टी विटामिन दे, तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं, आपके बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने बर्ड्स का खूब अच्छे से केयर करें और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।